70 साल की बुजुर्ग 2 दिन से सुनसान जंगल में भूखी प्यासी पड़ी थी। बुजुर्ग चल फिर नहीं सकती। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, वही बुढ़ापे में उन्हें जानवरों का निवाला बनने के लिए जंगल छोड़ गया। ग्रामीण लोग आए मेरे साथ, हमने खाना खिलाया, पानी पिलाया, और ये रानपुर की निवासी बता रही है अपने आप को, रतन इसके बेटे का नाम बता रही है और बता रही है रतन मुझे यहाँ छोड़ के गया है। अच्छी बात यह है कि जंगल आए कुछ ग्वालों की नज़र बुजुर्ग पर पड़ी। इसके बाद चौथमल गुर्जर और दूसरे ग्रामीण बुजुर्ग को जंगल से लेकर गए। जो ग्वालों ने मुझे बताया, सुबह मैं वहाँ पहुँचा मौके पर, तो देखा तो वास्तव में एक बुजुर्ग महिला थी जिससे चला भी नहीं जा रहा था बराबर, वो अपने पैर घसीटते हुए हाथों के बल चल रही थी। वहाँ देखा तो तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में उसने अपने पैर घसीट रखे थे, जो निशान बकायदे दिख रहे थे। वापस वो आया नहीं। अगर समय रहते महिला को रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद वो भूख प्यास से मर जाती या फिर उसे जंगली जानवर शिकार बना लेते। मामला कोटा के कोलाना गांव का है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।